फैले नाम के इस चक्रवाती तूफान का नाम आते ही भारत के तटों पर तूफानों से होने वाली तबाही की याद फिर से ताजा हो गई है। देश में आए तूफानों में अब तक जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। चलिए एक नजर डालते हैं देश में आए अब तक कुछ बड़े तूफानों पर। दिसंबर 1972, तमिलनाडु में तूफान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा कडलूर को। हवा की रफ्तार 111 से 148 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 80 लोगों की मौत हुई और करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नवंबर 1977, इस तूफान को 70 के दशक के सबसे भयंकर तूफानों में माना जाता है। इसका असर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक था। तूफान की वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इससे काफी नुकसान पहुंचा। उस वक्त हवा की रफ्तार 193 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। कहा जाता है कि इस तूफान की वजह से 10,000 लोगों की जान गई और 27,000 मवेशियों की मौत हो गई। सरकारी अनुमान के मुताबिक फसलों और संपत्तियों को होने वाला नुकसान करीब 350 करोड़ रुपए का था। मई 1979, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। नेल्लोर में हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक मापी गई। समुद्र से 12 फीट तक ऊंची लहरें उठी। तूफान की वजह से 700 लोगों की मौत हुई और 3 लाख से ज्यादा मवेशी मारे गए। नवंबर 1984, श्रीहरिकोटा के आसपास के इलाकों में तूफान ने तबाही मचाई। कई गांवों में समुद्र का पानी घुस गया। तमिलनाडु में 54 लोगों की मौत हो गई। 90,000 से ज्यादा मवेशी मारे गए। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए। नवंबर 1988, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तूफान की वजह से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश में तूफान ने 2,000 से ज्यादा जाने ली जबकि 6,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए। मई 1990, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में तूफान की वजह से 967 लोगों की मौत हो गई। 36 लाख से ज्यादा मवेशी मारे गए। 14 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। माना जाता है कि इस तूफान से करीब 2,248 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। नवंबर 1996, आंध्र प्रदेश में आए इस तूफान ने हजारों लोगों की जान गई। अनुमान के मुताबिक इस तूफान में मरने वालों की तादाद 1 से 2 हजार के बीच थी जबकि 900 से 1300 के बीच लापता हुए। आंध्र प्रदेश में इस तूफान की वजह से करीब 1380 गांव को नुकसान पहुंचा। समुद्र में 6,464 नाव लापता हो गई। जून 1998, भारत के पश्चिमी तट पर 1998 में जबरदस्त तूफान आया। गुजरात के पोरबंदर जामनगर में तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जामनगर में हवाओं की रफ्तार 182 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। 1,173 लोगों की मौत हुई और 1,774 लोग लापता हुए। सरकारी अनुमानों के मुताबिक संपत्ति को हुआ नुकसान 1,865 करोड़ रुपए से ज्यादा था। नवंबर 1999, इस दौरान आए महाचक्रवात ने ओडिशा में जबरदस्त तबाही मचाई। भुवनेश्वर में हवाओं की रफ्तार 148 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। तूफान की वजह से समुद्र में 6 से 7 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। माना जाता है कि इस चक्रवात की वजह से 8,960 लोगों की मौत हुई और करीब 3.5 लाख मवेशी मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।